नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज अमित शाह का रायपुर का दौरा है, बता दें जीत का जो है प्लान बना रहे हैं और कहीं ना कहीं घमासान भी इस पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान वो प्रदेश में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की मौजूदा स्थिति को जानेंगे। पीएम मोदी के 30 सितंबर को होने वाले दौरे की तैयारी और प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर प्रदेश के आला नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय कुशभाऊ ठाकरे भवन परिसर में प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं को चुनावी रणनीति पर गुरु मंत्र भी देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1:15 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सीधे कुशभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, जहां तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद 7:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से 7:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बेहद खास आज गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा, बता दें लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है दौरे कर रहा है छत्तीसगढ़ के, और इसी बीच गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है, चूंकि 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उससे पहले समीक्षा की जानी है। तो खास ही दौरा होने जा रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं। आकाश, दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, पूरी तैयारियां जारी हैं और वहीं हम बात करें यात्रा की तो वो भी अंतिम दौर में चल रही है, और इसी बीच गृहमंत्री का दौरा कितना खास? जी बिल्कुल, यात्रा अंतिम दौर में है और गृह मंत्री का दौरा काफी खास होने वाला है। इसके पीछे तीन कारण माने जा रहे हैं, एक तो परिवर्तन यात्रा की समीक्षा, दूसरा टिकट वितरण को लेकर जो प्रक्रियाएं चल रही है वो, और तीसरा नरेंद्र मोदी का दौरा। इन तीनों की समीक्षा की जानी है। आज बैठक होगी, करीब 5 घंटे बैठक चलेगी, एक लंबे अंतराल तक बैठक चलने वाली है। इस दौरान संगठन के चुनिंदा नेता मौजूद होंगे, संगठन के पदाधिकारी मौजूद होंगे। कहा जा रहा है कि कई नेताओं को इसकी जानकारी नहीं दी गई है, सूचना नहीं दी गई, इसलिए वो शामिल नहीं होने वाला है। महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है, चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है, इस लिहाज से भी काफी अहम है। गृह मंत्री इस बार 5वीं बार आ रहे हैं 3 महीने में, तो लगातार दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाहती है भाजपा, ऐसे में पूरी ताकत झोंक दी है, तो इसलिए भी दौरा काफी अहम है। जी वाकई अहम तो है बहुत ज्यादा ये दौरा, क्योंकि लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है नजरें टिकाए बैठा है छत्तीसगढ़ पर और लगातार किसी न किसी का दौरा लगातार हो रहा है। यहां पर आकाश सवाल ये भी उठता है कि क्या हम ये माने कि प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी होनी है उसमें बीजेपी चौंका सकती है मध्य प्रदेश की तरह, यहां पर भी सांसदों और केंद्रीय नेतृत्व को कमान दे सकती है? जी बिल्कुल, अभी तक तो कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि दूसरी सूची की जो लिस्ट है वो सौंपी जा चुकी है, उसकी लगातार समीक्षा चल रही है, नामों पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में अभी एक सांसद का नाम सामने आया, विजय बघेल दुर्ग से सांसद है, मुख्यमंत्री के खिलाफ उनको उतारा गया है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सूची आई, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं 2-4 ऐसे सांसद भी हो सकते हैं जिन्हें टिकट मिले, ऐसे कयास पर भी बात चल रहा है। हालांकि देखना होगा कि सूची में किनका नाम सामने आएगा, ये संगठन के आला कमान को ही तय करना है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उस दौरे की जिससे बीजेपी प्रदेश का चुनावी रुख बदलने की आस लगाए बैठी है। 30 सितंबर को पीएम मोदी बिलासपुर के दौरे पर आएंगे, मौका होगा छत्तीसगढ़ के दो छोर से शुरू हुई पार्टी की दो परिवर्तन यात्राओं के समापन का। प्रदेश की 87 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का 30 सितंबर को बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में समापन होगा, जिसके समापन समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। मोदी के इस दौरे को लेकर पार्टी अभूतपूर्व तैयारी में जुटी है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की यह रैली छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि इस रैली के दो तीन दिन बाद ही अक्टूबर को पीएम मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। इस बार वो छत्तीसगढ़ की सत्ता तक पहुंचने वाली बस्तर के सियासी जमीन को जगदलपुर से साधने की कोशिश भी करेंगे। पीएम मोदी का पिछले 3 महीनों से ये छत्तीसगढ़ का 4था दौरा होगा।
भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बाद अब कांग्रेस की चुनावी यात्रा शुरू होने जा रही है। दरअसल 2 अक्टूबर को कांग्रेस भरोसा यात्रा निकालने जाने की तैयारी में है। प्रदेश के सभी विधानसभा में भरोसा यात्रा निकलेगी। कांग्रेस के बड़े चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। विधानसभा वार सभी नेताओं को यात्रा की जिम्मेदारी मिलेगी। तो अब जो है कांग्रेस भरोसा यात्रा निकालेगी। बापू का नाम लेकर के ये यात्रा निकालने की तैयारी में अब जो है कांग्रेस से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बाद अब भरोसा यात्रा निकालने की तैयारी में कांग्रेस से। कांग्रेस को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि यात्रा निकालने से बहुत ज्यादा प्रभाव होगा और अब जो है यात्रा निकालने की तैयारी में पूरी तरह से कांग्रेस आ चुकी है। प्रदेश के 24.5 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त आज जारी की जाएगी। बलौदाबाजार भाटापारा में आयोजित कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बटन दबाकर किसानों के खाते में 1895 करोड़ रूपए डालेंगे। इस दौरान बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अंतर्गत 266 करोड़ रूपए के 264 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। तो वहीं 176 करोड़ के 150 कार्यों का लोकार्पण होगा और 90 करोड़ की राशि के 114 कार्यों का भूमि पूजन भी होगा। साथ ही सम्मेलन में गोधन योजना के 65,000 गोबर विक्रेताओं को 25.25 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। इसे मिलाकर किसान न्याय योजना में अंतरित की जाने वाली राशि बढ़कर 23,893 करोड़ रुपए और गोधन योजना में अंतरित की जाने वाली राशि 507.14 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके अलावा 33,442 गन्ना उत्पादक किसानों को 57.18 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो विकास कार्यों का भूमि पूजन होगा, लोकार्पण होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़ी सौगातें जो हैं देने जा रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल सकेगा, किश्त तो उसकी जारी होगी, बटन दबा करके किश्त तो जारी करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर खड़गे शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, आज किस्तें जारी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आखिर कौन कौन सी किस्तें जारी होंगी, कौन कौन सी सौगातें रहेंगी, कहां कहां लोकार्पण होगा, जानकारी विस्तार से बता दें कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे उनका लगातार छत्तीसगढ़ में दूसरा दौरा है और आज किसानों का छत्तीसगढ़ में 12 सम्मेलन खत्म जाके भाटापारा के सीमा में रखा गया है, जहां आगामी विधानसभा को देखते हुए कहा जा सकता है कि किसानों को सागरी के लिए एक बड़ी योजना जो यहाँ पर राशि अंतरित की जानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और साथ ही साथ तमाम मंत्रीगण पर मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का भी छत्तीसगढ़ आना जाना है। यही है कि विधानसभा चुनाव सामने आए जिसको लेकर किसानों को लेकर बड़ी सौगात देने वाले हैं। सर यहाँ से पता करेंगे, आपको बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दूसरा दौरा है। बड़ौदा बाजार जिले में यहाँ आएंगे और किसानों को आगामी सौगात देंगे कि राजीव गांधी न्याय अपनाए, किसान न्याय अपनाए, लेकर सब लोग उसको लेकर बलौदाबाजारी नहीं बल्कि तीन जिलों के जागरूकता यहाँ पर उठेंगे। और चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बीते दिनों गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास में दूषित खाना परोसे जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद नाराज छात्रों ने छात्रावास में जमकर हंगामा किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी मामले में जांच का भरोसा दिया था, जिसके बाद कुलपति आलोक चक्रवाल हॉस्टल पहुंचे और नाराज छात्रों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कुलपति ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और सेहत से कोई भी समझौता नहीं होगा, दूषित भोजन दिए जाने के मामले की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी।
तो खराब खाना परोसे जाने को लेकर विवाद जो है लगातार हो रहा था। कुलपति से जो है छात्रों ने बातचीत भी की थी और इसका जो है निवारण करने की बात कही गई थी। अभी भी छात्रों का प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। दूषित खाना खाने की वजह से जो है बच्चे बीमार हुए थे और उसके बाद से ही छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। रायपुर से बड़ी खबर की हम बात करेंगे। खैरागढ़ स्टडी सेंटर में अभी नहीं चलेंगे डिप्लोमा कोर्स। रायपुर ऑफ कैंपस में अब डिप्लोमा कोर्स नहीं चलेगा। सीएम ने कोर्स आरंभ किए जाने का फैसला स्थगित कर दिया है। जन भावनाओं को देखते हुए सीएम ने यह फैसला लिया है। खैरागढ़ में लगातार डिप्लोमा कोर्स का विरोध हो रहा था। खैरागढ़ इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर अब डिप्लोमा कोर्सेस नहीं हो सके। बिलासपुर के पचपेड़ी में बच्चों के झगड़े में कूदे बड़े लोगों ने जमकर हंगामा काटा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। दरअसल बीते दिनों बिलासपुर के पचपेड़ी में खेल खेल में बच्चों के दो गुटों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। घटना की सूचना पर बच्चों के परिजनों को जब सूचना लगी तो वो भी झगड़े में कूद पड़े। बाद में पुलिस ने दोनों ओर से मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर गांजा तस्करी करते हुए युवक युवती गिरफ्तार हुए। उड़ीसा से तस्करी करके एमपी ला रहे थे गांजे की खेप। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक युवती उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो गांजा तस्करी में ये लिप्त बताए जा रहे हैं और एमपी में गांजा सप्लाई करने की फिराक में ये युवक और युवती थे। फिलहाल पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है। कहां कहां से तार जुड़े हुए हैं, कहां से ये गांजा लाए थे और किन किन से संपर्क में थे, सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। और मानसून के मौसम में कांकेर जिले में सांपों का निकलना आम बात है। बारिश के बाद निकलने वाले सांपों में कई सामान्य सांप होते हैं जिसमें जहर नहीं होता, तो कई बार ऐसे भी सांप निकलते हैं जो काफी जहरीले होते हैं, साथ ही रेयर भी होते हैं। ऐसा ही एक रेयर और जहरीला सांप कांकेर के झुनिया पारा में मिला। ये जहरीला सांप एक राशन दुकान को अपना आशियाना बनाए हुए था। दुकानदार को जब सांप होने की भनक लगी तब उसने मौके पर वन विभाग के स्नेक कैचर टीम को बुलाया, तब कहीं जाकर सांप को काबू में किया जा सका। बलरामपुर की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने गौ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 8 मवेशी भी बरामद हुए हैं, जिन्हें बेचने के लिए आरोपी दूसरे राज्य में ले जा रहे थे। जगदलपुर में हथियार के दम पर लोगों को डराने और धमकाने वाला गुंडा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवक को होटल के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े जाने के दौरान बदमाश के पास से चाकू और एक पिस्टल भी जब्त हुई है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश शीतला पारा का रहने वाला है और लूटपाट के इरादे से लोगों को आए दिन धमकाता रहता था।
और रायपुर को पुलिस में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग रंजीत यादव को गिरफ्तार किया है। रंजीत ने पूर्व आईएएस से करीब 21 लाख रुपए की ठगी की थी। बीमा में ज्यादा रकम दिलाने के नाम पर आरोपी ने पूर्व आईएएस को चूना लगाया था। रंजीत के पास से पुलिस ने 34 मोबाइल और 30 सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। और अब बात करेंगे कवर्धा की, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सरोदा दादर को भारतीय पर्यटन मानचित्र में स्थान मिला है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार सरोदा दादर को मिला है। सरोदा दादर ने 795 गांवों को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान हासिल किया। पिछले दिन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित G20 की बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री वी विद्यामति ने सरोदा दादर को ये सम्मान दिया। राजनांदगांव की बात करेंगे, जहां की पहचान ही हॉकी और झांकी से है। इस बार की झांकी को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। समितियों के अनुसार एक झांकी निकालने में 5 से 6 लाख का खर्च आता है और इस बार शहर में लगभग 40 झांकियां निकाली जाएंगी, जिनकी सुरक्षा के लिए 1000 जवानों को तैनात भी किया जाएगा। इस बार झांकी को अनोखा रूप जो है दिया गया है। झांकी में कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। इस झांकी को देखने के लिए दूर दराज से लोग भी आते हैं। हमारे समिति का नाम उमंग गणेश उत्सव समिति है। विगत 27 वर्षों से हम गणेश बैठा रहे हैं और विगत 13 वर्षों से हम विसर्जन झांकी निकालते हैं, जो हम स्वयं खुद बनाते हैं अपने हाथों से। इस बार का हम हमारे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। भोपाल जिले की नरेला विधानसभा सीट विकास तो हो रहा है नरेला में, ऐसे ये नहीं है विकास हो रहा है, लेकिन ये है कि रोड की स्थिति जो है ना, तो वो ऐसी कि रोड डलता है और आप खुद देखो बरसात होती है जाकता हो जाता है। सर जनता के केवल काम कर दें अच्छे से, भ्रष्टाचार को खत्म करें। काम तो बहुत होना बाकी है, रोडों में देखो मिट्टी से रोड बन रही है, ऊपर चमक कितनी भ्रष्टाचारी है। कोई चीज की परेशानी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, का गल्ला भी फ्री है।